Hello students, welcome to online lectures of Mumbai International School and Junior College. This lecture is for class 5th, subject math, chapter Roman numerals. Let us now begin. अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ रोमन न्यूमरल्स. सो बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर हम लोग हिस्ट्री जान लेते कि रोमन न्यूमरल्स ये जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से आया है. तो रोमन न्यूमरल्स या रोमन नंबर्स का ये जो कॉन्सेप्ट है वो ओरिजिनेट होता है रोम से. रोम एक कंट्री जहाँ से ये चीज़ें आई है. दिस एंशियंट काउंटिंग सिस्टम इज बिलीव टू हैव स्टार्टेड विद द एंशियंट यूट्रिस्कैंस. द सिंबल फॉर वन इन द रोमन न्यूमरल सिस्टम प्रोबेबली रिप्रेजेंटेड अ सिंगल टेलीमार्क. टेलीमार्क क्या होता है अभी विच पीपल यूड नॉच इन टू वुड और डर्ट. जब हम काउंटिंग करते कोई चीज़ को गिनते रहते और हम लोग उसके बारे में भूल ना जाए तो इसलिए हम लोग मार्क करते थे ना एक स्ट्रेट लाइन जैसा. तो दैट इज कॉल्ड टेलीमार्क. एक लाइन मतलब वन, दो लाइन मतलब टू, तीन लाइन मतलब थ्री. सो ऐसा एक सिस्टम होता है टेलीमार्क का. तो इसी से ओरिजिनेट हुआ है ये रोमन न्यूमरल्स. रोमन नंबर्स आर रिटर्न एज कॉम्बिनेशन ऑफ सेवन लेटर्स एज शोन बिलो. रोमन नंबर्स जो है वो एक कॉम्बिनेशन से लिखे जाते हैं इन सेवन लेटर्स के. पहला लेटर जो वन है वो एक्चुअली एक आई जैसा दिखता है. फाइव मतलब वी, टेन मतलब एक्स, फिफ्टी यानी कि एल, हंड्रेड मतलब सी, फाइव हंड्रेड मतलब डी और थाउजेंड यानी कि एम. तो इन लेटर्स के मिक्सचर से इन लेटर्स को मिक्स करके हम लोग कोई भी रोमन नंबर लिख सकते हैं. सो बिफोर राइटिंग अ रोमन न्यूमरल लेट अस लर्न अबाउट द सर्टन रूल्स विच वी हैव टू फॉलो बिफोर राइटिंग रोमन न्यूमरल्स. रोमन न्यूमरल्स या रोमन नंबर सीखने के लिए कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिसे जानना जरूरी है. जैसे कि रूल नंबर वन, इफ ईदर ऑफ द सिंबल्स आई और एक्स जिसका मतलब वन और टेन, इफ वन और टेन इज रिटन कॉन्जिक्यूटिवली टू और थ्री टाइम्स देयर सम टोटल इज द नंबर दे मेक. इसका मतलब क्या होता है कि जब आई या एक्स एक 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 बात लिखा होता है तो इसका मतलब हमें उसे मिलाना है, उसे प्लस करना है. जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दो बार वन और वन लिखा है, इसका मतलब वन प्लस वन टू होता है. सेकेंड एग्जाम्पल एक्स एन एक्स, इसका मतलब टेन या टेन, इसका मतलब होता है टेन प्लस टेन दैट इज ट्वेंटी. थर्ड एग्जाम्पल में वन प्लस वन प्लस वन दैट इज थ्री. सो यहाँ पे जो वन है, जो आई है वो वन को रिप्रेजेंट करता है, जो एक्स है वो टेन को रिप्रेजेंट करता है. तो दो बार आई का मतलब वन प्लस वन, तीन बार आई का मतलब वन प्लस वन प्लस वन. लेट अस मूव टू रूल नंबर टू. द सिंबल्स आई और एक्स कैन बी रिपीटेड कॉन्जिक्यूटिवली फॉर अ मैक्सिमम ऑफ थ्री टाइम्स. यानी कि वन या एक्स को हम लोग रिपीट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ तीन बार, उससे ज़्यादा नहीं. इसका मतलब मैं सिर्फ तीन बार वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन लिख सकता हूँ बट फोर्थ टाइम नहीं लिख सकता हूँ. द न्यूमरल वी दैट इज फाइव इज नेवर रिपीटेड कॉन्जिक्यूटिवली. इसमें एक एक्सेप्शन है, जो वी है वो कभी भी रिपीट नहीं होता है. जैसे मैंने टू लिखने के लिए दो बार आई का यूज़ किया, ट्वेंटी लिखने के लिए दो बार एक्स का यूज़ किया, वैसे मैं वी का यूज़ नहीं कर सकता हूँ एक के बाद एक. सो एज आई सेड इन रूल नंबर वन, इफ ईदर ऑफ द सिंबल्स वन और वी और टेन इज रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द सिंबल ऑफ द बिगर नंबर इट्स वैल्यू इज एडेड. जब कोई भी सिंबल वन या वी या टेन जब हम लोग ऐड करते हैं किसी भी बड़े नंबर के बाद तो उसका वैल्यू पूरा ऐड किया जाता है और एक जो बड़ा नंबर हमें मिल रहा है वो आंसर होता है. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट वाला वी और आई यानी फाइव और वन लिखा है तो फाइव प्लस वन इज सिक्स. ठीक है, कोई भी रोमन नंबर्स में जब बड़े नंबर के आगे हम लोग छोटा नंबर ऐड करते हैं आई के हेल्प से या वी के हेल्प से या टेन के हेल्प से भी अगर हम लोग ऐड करते हैं तो उसका जो सम होता है, उसका जो टोटल वैल्यू होता है वो हमें माना जाता है. जैसे कि सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं वी प्लस आई प्लस आई, यहाँ पे वी मतलब फाइव, फाइव प्लस दो बार आई है मतलब टू, तो फाइव प्लस टू इज सेवन. थर्ड एग्जाम्पल टेन प्लस टू इज ट्वेल्व, वैसे ही टेन प्लस थ्री इज थर्टीन, टेन प्लस फाइव प्लस वन. एक्स का मतलब टेन, वी का मतलब फाइव और आई का मतलब वन. सो टेन प्लस फाइव प्लस वन इज इक्वल्स टू सिक्सटीन. एंड द लास्ट एग्जाम्पल एक्स प्लस वी यानी कि टेन प्लस फाइव इज इक्वल टू फिफ्टीन. ये जो सिंबल्स जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है. आई का मतलब होता है वन, वी का मतलब होता है फाइव, वैसे ही एक्स का मतलब होता है टेन. तो ये कुछ बेसिक सिंबल्स है, इसे हमें ध्यान में रखना पड़ेगा. नेक्स्ट इज रूल नंबर फोर, When I is written on the left of the V or X, इसका मतलब जब हम लोग वन को किसी भी बड़े नंबर के पहले लिखते हैं, राइट साइड में जब हम लोग लिखते हैं मतलब प्लस करना है, बट राइट के बदले अगर मैं नंबर को लेफ्ट साइड लिखता हूँ इसका मतलब उसे सब्ट्रैक्ट करना है.
जैसे कि एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूँ वन और वी, मतलब मैं वी के पहले वन लगाता हूँ, तो दैट इज फाइव माइनस वन, इसका मतलब फोर। एक्स के पहले वन लगाता हूँ, इसका मतलब टेन माइनस वन, दैट इज नाइन। बट द नंबर एट इज नॉट रिटन एज वन वन एक्स। क्यों ऐसा? क्योंकि जो सब्ट्रैक्शन होता है ना, जो माइनस करने का सिलसिला है, वो सिर्फ एक बार कर सकते हैं। यानी बड़े नंबर के पहले जो हम लोग लिखते हैं वो सिर्फ एक बार लिख सकते, एक से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते। और जो पहले हम लोग लिखते हैं वो सिर्फ वन होता है, वन के अलावा हम लोग वी को पहले नहीं लिख सकते। अगर मैं वी और एक्स लिखूंगा, इसका मतलब ये नहीं होगा कि टेन माइनस फाइव, ऐसा नहीं होता। माइनस के लिए हम लोग सिर्फ वन का यूज़ करते हैं, प्लस के लिए हम लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। प्लस के लिए हम लोग वन यूज़ कर सकते हैं, फाइव यूज़ कर सकते हैं, टेन यूज़ कर सकते हैं, बट माइनस करने के लिए सिर्फ वन का ही यूज़ होता है। और उसमें भी एक रूल है कि हम लोग वन को एक से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते, माइनस सिर्फ एक बार होगा, एक से ज़्यादा बार माइनस नहीं किया जा सकता। सो अगर हम वन को या फाइव को या किसी भी सिंबल को अगर तीन से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते, तो हम लोग ये सारे नंबर्स कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल 14, 14 का मतलब होता है 10 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, बट मैं चार बार तो 1 यूज़ नहीं कर सकता, तो मैं कैसे लिखूँगा? तो इसके लिए हमें थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा, हमें ऐसा सोचना पड़ेगा कि 14 जो है वो 10 प्लस 4 है, तो मुझे रोमन न्यूमरल्स में 10 लिखने आता है यानी कि x, मुझे रोमन नंबर्स में 4 भी लिखने आता है यानी कि i और v, तो मैं उन दोनों को मिला के 14 लिख सकता हूँ, दैट इज x i एंड v। x का मतलब होगा 10 और 1 और v का मतलब है 5 माइनस 1 यानी कि 4, तो दैट विल बी 10 प्लस 4, इसका मतलब 14। सेम वैसे ही मैं 19 भी लिख सकता हूँ, x i एंड x, दैट इज 10, देन अगेन 10 माइनस 1, दैट इज 9, तो 10 प्लस 9 होता है 19। सो ऐसे कुछ रूल्स है जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे रोमन न्यूमरल्स लिखने के समय। थस टू राइट द नंबर्स फ्रॉम 1 टू 20 इन रोमन न्यूमरल्स, वी फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूट अ गिवन नंबर इनटू ग्रुप्स ऑफ 10, 5 एंड 1। सो रोमन न्यूमरल्स लिखने से पहले हमें पहले नंबर्स को ग्रुप में कैटेगराइज करना होगा कि 1 का सिंबल क्या है, 2 के लिए क्या यूज़ होगा, 5 के लिए क्या यूज़ होगा। इस तरीके से हम लोग नंबर्स को सिंबल के अकॉर्डिंग अरेंज कर देंगे, फिर हम उसको जोड़ के बड़ा नंबर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 12 इज इक्वल टू 10 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि x, i और i। 18 इज इक्वल टू 10 प्लस 5 प्लस 3 यानी कि x, v और i, i, i। 7 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 प्लस 1, इसका मतलब v, i और i। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द रूल्स। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट प्रॉब्लम सेट। लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 टू 20 यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। 1 से लेकर 20 तक के सारे नंबर्स हमें रोमन नंबर्स यूज करके लिखना है। नंबर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। रोमन न्यूमरल्स क्या होता है वो हमने देखा। देर आर ऑल्सो इंटरनेशनल न्यूमरल्स। इंटरनेशनल न्यूमरल्स वो टाइप के नंबर होते हैं जो वर्ल्ड वाइड जाने जाते हैं। पूरी दुनिया में जिस नंबर को हम जानते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल न्यूमरल्स। अलग अलग टाइप के बहुत सारे नंबर्स होते हैं। देवनागरी नंबर्स होते हैं जो हम हिंदी मराठी में यूज़ करते हैं, देन अरेबिक नंबर्स होते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग टाइप के नंबर्स होते हैं। इंटरनेशनल न्यूमरल्स वो होता है जो पूरे वर्ल्ड में मतलब ज़्यादातर लोग पहचानते हैं या जानते हैं। सो 1 के लिए हम लोग यूज़ करते हैं आई, 2 के लिए हम लोग यूज़ करेंगे 2 बार आई, 3 के लिए 3 बार आई, बट 4 के लिए हम लोग 4 बार आई को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एक रूल है कि 1 या वी ऐसे जो अल्फ़ाबेट्स है इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार ही यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम उसको ऐड नहीं कर सकते। तो 4 कैसे लिखेंगे? माइनस करके, 5 माइनस 1। माइनस करने के लिए नंबर को पहले लिखना पड़ता है, लेफ्ट साइड लिखना पड़ता है, राइट साइड में नहीं। जब नंबर को हम राइट साइड में लिखते हैं तो वो प्लस होता है, जब नंबर को हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो माइनस होता है। तो 5 माइनस 1 यानी कि v के पहले जब मैं i लिखता हूँ, सो दैट इज 5 माइनस 1, इसका मतलब होता है 4। 5 के लिए हम लोग यूज़ करते हैं v का सिंबल, 6 के लिए v प्लस i यानी कि 6, 7 के लिए v, i, i, 8 के लिए v और 3 बार i यानी कि 5 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 8, 9 के लिए अगेन, 9 के लिए अब मैं 4 बार i नहीं लिख सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? मैं 10 माइनस 1 करूँगा यानी x में से i को माइनस कर दूंगा, सो इट विल बिकम 9, 10 के लिए x एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम सारे के सारे नंबर्स के से रोमन न्यूमरल्स लिख सकते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग इंटरनेशनल न्यूमरल्स। अब ये जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन का अपोजिट है। फर्स्ट क्वेश्चन में इंटरनेशनल नंबर्स दिया था, रोमन में कन्वर्ट करना था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें रोमन नंबर्स दिया है और उसको इंटरनेशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट इज वी, पहला जो सिंबल है वो है वी। वी का मतलब होता है 5, तो वी इज इक्वल टू 5।
सेकेंड इज वी आई आई, यानी कि फाइव प्लस वन प्लस वन, क्योंकि वन जो है वी के बाद है ना, राइट साइड में है, इसलिए प्लस, तो फाइव प्लस वन होता है सेवन. थर्ड वन इज एक्स, एक्स मीन्स टेन. फोर्थ इज एक्स आई आई आई, यानी कि टेन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, तो वो होता है थर्टीन. नेक्स्ट वन इज एक्स आई वी, इसका मतलब ये नहीं कि टेन प्लस वन प्लस फाइव, नहीं, क्योंकि जब v के पहले i है इसका मतलब वो माइनस होगा, लेफ्ट साइड में है इसके लिए माइनस होगा. तो 10 प्लस 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 होता है 4, तो 10 प्लस 4 इज 14. नेक्स्ट वन इज x v i, यानी कि 10 प्लस 5 प्लस 1 इज 16. सेकेंड लास्ट इज 10 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज 18. एंड द लास्ट वन इज 1x, इसका मतलब होता है 9. सो वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड हाफ ऑफ द चैप्टर. लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. तीसरा क्वेश्चन है फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस, जो बॉक्सेस एम्प्टी है उसे फिल करना है. फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है 3. इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे हमें नंबर दिया है वर्ड्स में और उसे रोमन में लिखना है, और कहीं कहीं पे नंबर दिया है रोमन में उसे हमें वर्ड्स में लिखना है. सो फर्स्ट वन इज 3. 3 को रोमन में कैसे लिखेंगे, 3 मतलब i प्लस i प्लस i, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 इज 3. सेकेंड वाला रोमन में दिया है v i i i, इसका मतलब 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि 8. थर्ड वन इज 6. 6 को अगर रोमन में लिखना है तो 5 प्लस 1, यानी कि v और i. फोर्थ वन इज x i i, यानी कि 10 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज 12. नेक्स्ट वन इज 15. 15 को हम लिखेंगे x और v, यानी कि 10 प्लस 5 इज 15. एंड द लास्ट वन इज x i x. x i x का मतलब क्या है, 10 और 10 माइनस 1, यानी कि 9. तो 10 और 9 मिला के बनता है 19. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फोर्थ वन. राइट द नंबर्स यूजिंग रोमन न्यूमरल्स. यहाँ पे हमें कुछ इंटरनेशनल नंबर्स दिए हैं, जैसे कि 9, 2, 17, 4, 11 एंड 18. इसे हमें रोमन फॉर्म में लिखना है. तो 9 को रोमन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 9 को लिखेंगे हम x, यानी कि 10. 10 माइनस 1 इज 9. माइनस के लिए जो i है, जो 1 है, उसको x के पहले रखना है, सो वो माइनस इंडिकेट करता है. सो i और x, यानी कि 10 माइनस 1 इज 9. नेक्स्ट 2. 2 लिखना है तो i प्लस i, यानी कि 1 प्लस 1 इज 2. वैसे ही 17. 17 इज 10 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि x प्लस v प्लस 1 प्लस 1, दैट इज 17. 4. 4 को हम कैसे लिखेंगे, 5 माइनस 1 इज 4. माइनस करने के लिए 1 को जो i है उसको v के पहले रखना है, यानी लेफ्ट साइड में. सेकेंड लास्ट इज 11, यानी कि 10 प्लस 1, दैट इज x प्लस i. एंड द लास्ट वन इज 18, यानी कि 10 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, सो ये सब मिला के हो जाएगा 18. मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन. इन द टेबल बिलो ईच गिवन नंबर इज रिटन इन इंटरनेशनल न्यूमरल्स. जो नीचे हमें टेबल दिया है, यहाँ पे जो नंबर्स है वो इंटरनेशनल न्यूमरल्स के फॉर्म में लिखे हैं, उसको हमें क्या करना है, उसका रोमन न्यूमरल भी नीचे दिया है. हमें बस ये पहचानना है कि कौन सा रोमन फॉर्म सही है और कौन सा गलत है. जो सही है उसके आके टिक करना है, और जो गलत है वहाँ पे क्रॉस करके उसका सही आंसर लिखना है. सो फर्स्ट वन इज 4. 4 का रोमन फॉर्म लिखा है i प्लस i प्लस i प्लस i. बट हमें पता है कि कोई भी नंबर को 1 या x को हम लोग 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते. इसका मतलब जो i है, जो 1 है, उसे हम 4 बार रिपीट नहीं कर सकते. तो ये जो आंसर है वो गलत है. तो सही तरीका क्या है 4 लिखने का, 4 लिखने का सही तरीका है 5 माइनस 1, यानी कि v लिखना और v के पहले i लगा देना, यानी v माइनस i, दैट इज 5 माइनस 1, दैट इज 4. सेकेंड क्वेश्चन 6. 6 कैसे लिखा है, v प्लस i, यानी 5 प्लस 1, तो 5 प्लस 1 ये सही तरीका है, सो इट इज राइट. 8. 8 कैसे लिखा है, 10 माइनस 1 माइनस 1, बट ये रॉन्ग है. क्यों रॉन्ग है, क्योंकि माइनस हम सिर्फ एक बार कर सकते हैं, एक से ज़्यादा बार नहीं, लेकिन यहाँ पे दो बार किया है. तो 8 लिखने का राइट आंसर, राइट तरीका क्या है, 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज 8.
नेक्स्ट वन इज 16. 16 लिखा है x प्लस वी प्लस आई, यानी 10 प्लस 5 प्लस 1, जो कि होता है 16. सो इट इज राइट. एंड द लास्ट सम फॉर द चैप्टर इज 15. 15 कैसे लिखा है? वी प्लस वी प्लस वी. बट हमें पता है कि v को हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं. सो v कैन नॉट बी रिपीटेड. तो ये 15 लिखने का गलत तरीका है. तो राइट तरीका क्या है? 10 प्लस 5, यानी कि x प्लस वी. सो एक बार रिकैप कर लेते हैं चैप्टर को. रोमन न्यूमरल्स, ये जो सिस्टम है लिखने का, ये आया है रोम कंट्री से. रोमन न्यूमरल्स सिर्फ एक सिंगल टाइप नंबर नहीं है. नंबर्स लिखने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं. इंटरनेशनल नंबर, रोमन न्यूमरल्स, देवनागरी न्यूमरल्स. अब इस चैप्टर में हम रोमन न्यूमरल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. रोमन न्यूमरल्स लिखने के लिए कुछ सिंबल्स है जो हमें याद रखने होंगे. जैसे कि आई का मतलब होता है 1, वी का मतलब होता है 5, एक्स का मतलब होता है 10. हम लोग किसी भी नंबर के, बड़े नंबर के आगे जब छोटे सिंबल्स ऐड करेंगे, इसका मतलब वो सब प्लस होगा, उसका जो टोटल वैल्यू है वो ऐड करके आएगा. और वैसे ही जब हम नंबर्स के पहले कुछ लिखेंगे, लेफ्ट साइड में जब हम लिखेंगे, तो वो माइनस होता है. सो दीज आर द रूल्स विच वी हैव टू रिमेंबर बिफोर लर्निंग द रोमन न्यूमरल्स.